हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, IIACR की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें BVTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इसमें आपको सैलरी 25,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ के कर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। बात कर लेते डिटेल्स पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहीं पर जूनियर साइट इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ गए, जिसमें फर्स्ट है जूनियर साइट इंजीनियर सिविल के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। नेक्स्ट है जूनियर साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग एग्रीकल्चर या तो हॉर्टिकल्चर में से BSc करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे 35 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पर ऑनलाइन रखा गया है। इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से फिल करना होगा, और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी, उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, उसके साथ अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, EWS कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी और PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी। और जिस PDF को आपको इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी यहीं पे मेंशन किया हुआ है, आपको उसी ईमेल आईडी पे 30 अप्रैल 2022 से पहले मेल सेंड करना होगा, और मेल सेंड करने के टाइम में आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल या तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या तो टेक्निकल असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर। ये मेंशन करने के बाद आपको उस मेल को सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स एप्लीकेशन प्रोसीड्योर। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपको सैलरी 25,000 पर मंथ मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप इसी फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें फर्स्ट आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम आपको यहीं पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज यहीं पे फिल करना होगा। अगर आप लोग को एज कैलकुलेट करने में कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग गूगल में जाके एज कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो और उसका हेल्प लेके आप लोग एज कैलकुलेट कर सकते हो और यहीं पे आप लोग वो मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपके एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उस डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आपको अटैच करके एक सिंगल PDF बना के इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी यहीं पे मेंशन किया हुआ है आपको उसी ईमेल आईडी पे 30 अप्रैल 2022 से पहले मेल सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका लिंक वगैरह मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर सकते हो।
उसके अलावा जॉब रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज या तो इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ और आगे भी शेयर करता रहूंगा। और इसके साथ एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, आप लोग को भी फायदा मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपका कोई भी डाउट्स होते क्वेश्चन से तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे ताकि मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।